Hello everyone, welcome to Reg Economics classes. I hope you all are fine and safe, and we are doing part 3 of the previous year questions of July 2018. So start karte hain aaj ke first question se. Which of the following statement about India's balance of payment is not correct? ऐसी कौन सी statement है India's BOP से related, balance of payment से related, जो correct नहीं है? हम इसके बारे में पहले भी detailed में समझ चुके हैं. So, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. सबसे पहले जाके बीओपी के बारे में समझिए एंड देन आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई करें. सो क्वेश्चन नंबर वन है, इफ अ फॉरेन सिटीजन डिपॉजिट सम बैंक इन अ मनी इन अ बैंक इन इंडिया देन द अकाउंट रिगार्ड्स एज क्रेडिट. बिल्कुल सही बात है, अगर कोई फॉरेन सिटीजन अपना मनी इंडिया के बैंक ऑफ अकाउंट में डालता है तो उसके अकाउंट में कैसे दिखाया जाएगा, एज अ क्रेडिट शो होगा. सेकेंड क्या है, करंट अकाउंट बैलेंस शोज ओनली द बैलेंस फॉर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज कंबाइंड. थर्ड क्या है हमारा, अलाउ फॉर एरर एंड ओमिशंस द अकाउंट ऑलवेज बैलेंस. और फोर्थ क्या है, इफ अ कंट्रीज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस देन देयर इज अ माइनस साइन फॉर दिस एंट्री. तो अगर आपको याद हो तो हमने इन सब के बारे में ही डिटेल में समझा है. तो अगर हम बात करें करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो क्या शो करता है, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का ही थोड़ी ना शो करता है, इट ऑल्सो इंक्लूड द इन्वेस्टमेंट इनकम. इन्वेस्टमेंट इनकम भी हमारी यहाँ पे इंक्लूड होती है, और अगर उसकी बात करें तो हम ट्रांसफर पेमेंट भी यहाँ पे इंक्लूड होती है. तो इट ऑल्सो इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इनकम एंड ट्रांसफर पेमेंट्स. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट दैट द करंट अकाउंट बैलेंस नॉट ओनली शोज द बैलेंस फॉर ट्रेड एंड सर्विसेज कंबाइंड, इट ऑल्सो शोज द इन्वेस्टमेंट इनकम एंड ट्रांसफर पेमेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट फॉर अ सर्टेन कंट्री बी EX and the elasticity of demand for import be EM. Assume that the country devalue its currency. Country ने अपनी currency को devalue किया है. Its balance of payment will almost certainly show an improvement if इसका balance of payment उस country का BOP improvement कब improvement उसमें show होगी. ऑप्शंस हैं, अगर हमारी इलास्टिसिटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ग्रेटर देन वन हो, अगर हमारी इलास्टिसिटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की लेस देन वन हो, अगर हमारी इलास्टिसिटी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की इक्वल टू वन हो, या फिर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट और वन यूनिटी के इक्वल हो. तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा. सबसे पहले अगर हम इलास्टिसिटी अप्रोच की बात करें रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, सो ये जो बात करता है इसका मेन फोकस होता है करंट अकाउंट पे. बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट पे इसका मेन फोकस होता है. तो कई सारी ऐसी कंडीशंस हैं, हमें ये पता होने चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डीवैल्यूएशन के लिए या फिर डेप्रिशिएशन के लिए किसी भी करेंसी के लिए, अगर हम एज इन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इम्प्रूव होगा. तो उन कंडीशंस के बारे में समझते हैं. सबसे पहले पहली बात, यहाँ पे जो बात होती है वो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की बात होती है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम की बात नहीं होती, पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात होती है. और ऐसा क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं दैट हम कई चीजों को कॉन्स्टेंट मानते हैं, जो हमारी सप्लाई या डिमांड, जो हमारी फॉरेन या फिर डोमेस्टिक करेंसी है उसकी सप्लाई या फिर डिमांड पे क्या डालती हैं, इफेक्ट डालती हैं. अगर वो हमारी सप्लाई या डिमांड पे इफेक्ट डाल रही है उन चीजों को हम कॉन्स्टेंट मानेंगे, एक्सेप्ट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि किसको हम कॉन्स्टेंट नहीं मानेंगे, इसके अलावा हम सारी चीजों को कॉन्स्टेंट मानेंगे. तो एक्सेप्शन क्या है हमारी, एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि अगर हमारी फॉरेन गुड्स में या डोमेस्टिक गुड्स के रिलेटिव प्राइस में कोई भी चेंज आया है, उसके एक्सचेंज रेट में चेंज होने से, अगर उसके प्राइस में कोई चेंज आया कोई फॉरेन गुड्स या फिर डोमेस्टिक गुड्स, तो उन चीजों को छोड़ के बाकी सब चीजें क्या होंगी हमारी, कॉन्स्टेंट होंगी. ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या हो सकता है, यहाँ पे फॉरेन प्राइस ऑफ इंपोर्ट कॉन्स्टेंट हो सकता है, प्राइस ऑफ इंपोर्ट कॉन्स्टेंट हो सकता है, एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, इवन हमारी ऑटोनोमस जो एक्सपेंडिचर है इन द टर्म्स ऑफ मनी वो भी कॉन्स्टेंट हो सकती है. तो इन सारी अजम्पशंस को अगर हम माने तो कंडीशन जो है हमारी डीवैल्यूएशन की, हमारा बीओपी उससे इंप्रूव हो सकता है. और इसको अगर हम कहें तो इसको हम बोलते हैं मार्शल लर्नर कंडीशन. इन कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, मार्शल लर्नर कंडीशन. ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि हाँ, अगर हम डिवैल्यूएशन करें अपनी करेंसी को तो इससे हमारा बीओपी जो है ऑन द करंट अकाउंट वो इंप्रूव
होगा अगर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इम्पोर्ट जो है वो ग्रेटर देन वन होगी, और ये कंडीशन है मार्शल लर्नर कंडीशंस की, जिसमें हम कई चीजों को कॉन्स्टेंट समझते हैं एक्सेप्शन के साथ। तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन वन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड कॉज रुपी टू डेप्रिशिएट अगेंस्ट यूएस डॉलर व्हेन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मींस अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ऐसी कौन सी चीज होगी जिससे रुपी डेप्रिशिएट हो किसके अगेंस्ट, यूएस डॉलर के। फर्स्ट इज अ राइज इन इंटरेस्ट रेट इन इंडिया, इंडिया में इंटरेस्ट रेट राइज होने से। अ फॉल इन इनकम इन यूएसए, यूएसए के इनकम में फॉल होने से। थर्ड, एन एक्सपेक्टेड राइज इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपीज, हमारी एक्सटर्नल वैल्यू की एक्सपेक्टेड राइज हुआ है उसकी वैल्यू में। और फोर्थ है एन इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फ्लो जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में कैसे हमें पता चलेगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे हमारा रुपी डेप्रिशिएट हो यूएस डॉलर के। सो अगर हम बात करें, अगर हमारा डॉलर वन कितने के इक्वल है, 60 रुपीज के इक्वल है, और वही फिर हमारा डॉलर वन जो है 70 के इक्वल हो जाता है, देन इट शोज दैट विद अ फॉल इन इनकम इन यूएसए इट कुड कॉज अ रुपी टू डेप्रिशिएट अगेंस्ट द यूएस डॉलर्स व्हेन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मर्सेंटलिस्ट ट्रेड इज अ, मर्सेंटलिस्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड क्या है, इट इज अ पॉजिटिव सम गेम, इट इज अ इनफाइनाइट सम गेम, इट इज अ जीरो सम गेम, और इट इज अ नेगेटिव सम गेम। तो अगर हम मर्सेंटलिस्ट की बात करें तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ मर्सेंटलिस्ट जो है वो यहाँ ओरिजिनेट हुई थी, इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुई थी, ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेन एम्फेसिस है मर्सेंटलिज्म का वो क्या है, The particular चीज want to encourage the export. यहाँ पे बात किसकी होती है कि export को हमें जो है वो encourage करना है, import को जो है वो हमें discourage करना है। अगर हम बात करें इस चीज की तो ऐसा क्यों है। So अगर हम mercantilist का view देखें तो उसका view क्या है कि एक country की well-being, एक country का भला किसमें है, अगर वो country या फिर वो नेशन किसके ऊपर डिपेंड है, गोल्ड एंड सिल्वर पे वो डिपेंड है, ठीक है। सबसे पहली बात वेलबींग क्या है उसकी, कि वो गोल्ड सिल्वर पे डिपेंड है। अगर उसका रिजर्व इंक्रीज होता है बाय एक्सपोर्टिंग, एक्सपोर्ट करने से उसका रिजर्व जो है इंक्रीज होगा, हमारे पास रिजर्व क्या है, गोल्ड सिल्वर, वो हमारा इंक्रीज होगा रादर हम इंपोर्ट पे खर्च करें। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे इनफ्लो होगा, और अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उससे आउटफ्लो होगा। तो मर्सेंटलिस्ट की अगर हम बात करें तो इट वॉज एन एरनेस थ्योरी, ये एक एरनेस थ्योरी है, एरनेस थ्योरी है, सॉरी द स्पेलिंग वॉज रॉन्ग, एरनेस थ्योरी जो क्या बताती है विद रिगार्ड टू ट्रेड, ट्रेड के बारे में बताती है दैट ट्रेड इज अ जीरो सम गेम, दैट इज द गेम इन विच वन नेशन गेन्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, एक नेशन गेन कर रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर नेशन। सो अकॉर्डिंग टू मर्सेंटलिस्ट द ट्रेड इज अ जीरो सम गेम, सो ऑप्शन थर्ड जो है वो हमारा बिल्कुल सही होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, There is incomplete specialization in production when country faces constant opportunity cost, decreasing opportunity cost, increasing opportunity cost or indeterminate opportunity cost. तो अगर हम यहाँ पे बात करें then there are standard models of comparative cost advantage. ठीक है, जो काफी significant है, काफी important है from the point of view of trade, that is between the nations. Trade होगा nations के बीच में ही होगा। तो अगर हम comparative advantage की अगर हम बात करें तो यहाँ पे opportunity कॉस्ट थ्योरी भी मैटर करती है, और नेशंस का क्या मतलब है कि अगर कंप्लीट स्पेशलाइजेशन है उनकी प्रोडक्शन में तो उनके पास क्या होगी, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज होगी। अगर उनकी कंप्लीट स्पेशलाइजेशन है किसी भी प्रोडक्ट में, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, तो उनकी क्या होगी, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का उनको फायदा होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इनकम्प्लीट को स्पेशलाइजेशन में, तो इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन जो है वो है हमारी स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज जो क्या कंक्लूड करता है कि ट्रेडिंग पार्टनर्स जो है वो किसकी तरफ जाएंगे, they would go to incomplete specialization. और अगर वो incomplete specialization या फिर partial specialization की तरफ अगर वो जानते हैं तो condition क्या होगी, increasing opportunity cost की condition होगी, increasing opportunity cost की condition होगी। मतलब यहाँ पे उनके पास full
फुल कंप्लीट फुल स्पेशलाइजेशन या फिर कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं है, और एक कंट्री अंडर द स्टैंडर्ड मॉडल्स ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज क्या कंक्लूड करेगी कि ट्रेडिंग पार्टनर्स किसकी तरफ जाएं, इंक्रीजिंग और फुल इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएं या पार्शियल स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएं। सो ऑप्शन थर्ड जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैक्स बियोन्सी इज एक्सप्रेस्ड एज, टैक्स बियोन्सी को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। So we have the options, four options हमारे पास given है, that this is called the buoyancy of tax revenue to income and this is called total tax revenue. तो सबसे पहले tax elasticity और tax buoyancy दो चीजें आती है, tax elasticity and next is tax buoyancy. अब इन दोनों में difference है। सबसे पहली बात इनमें क्या difference है, ये जो concept है वो काफी important है, किसके point of view से, developing country के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, यहाँ पे कंट्रीज जो हैं उनकी प्रॉब्लम आती है टैक्स कलेक्शन में, टैक्स कलेक्शन में आती है, जहाँ पे इतने सारे लोगों के लिए पॉसिबल है टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी बहुत पॉसिबल है, बहुत आसान है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टैक्स इलास्टिसिटी एंड द टैक्स बियोन्सी एंड इट वॉज डेवलप्ड बाय एन इकोनॉमिस्ट विच इज कॉल्ड मैन्सफील्ड। मैन्सफील्ड एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने ये जो डिफरेंस है वो बताया है, और उन्होंने क्या बताया है इसके बारे में, और 1972 में इन्होंने इसके बारे में बताया था दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैक्स इलास्टिसिटी एंड टैक्स बियोन्सी। सो सबसे पहले अगर हम बात करें टैक्स इलास्टिसिटी की, तो टैक्स इलास्टिसिटी क्या मेजर करती है, इट शोज एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ टैक्स रिवेन्यू टू इनकम चेंज, इनकम में चेंज आने से ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होगा हमारे टैक्स रिवेन्यू में, रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है इलास्टिसिटी कंसेप्ट में। लेकिन टैक्स इलास्टिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डिस्क्रिशनरी चेंज है, जो लीगल चेंजेस आते हैं हमारे टैक्स रेट में या फिर हमारे टैक्स के बेस में या फिर हमारा नया टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, तो इन चीजों के केस में टैक्स इलास्टिसिटी जो है वो काम करती है। नेक्स्ट अगर हम टैक्स बियोन्सी की बात करें तो टैक्स बियोन्सी जो है वो क्या मेजर करता है, अगर हमारा टोटल रिस्पॉन्स क्या आया है रिवेन्यू चेंज के बेस में, हमारा टोटल रिस्पॉन्स क्या है रिवेन्यू चेंज में, और यहाँ पे हमारी डिस्क्रिशनरी एडजस्टमेंट भी इंक्लूड होती है। ठीक है, रिस्पॉन्स तो चेंज हो गई टैक्स रिवेन्यू, अगर हमारी इनकम चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली हमारा टैक्स रिवेन्यू का रिस्पॉन्स भी जो है वो चेंज होगा। यहाँ पे हम हाई टैक्स इलास्टिसिटी को कंसिडर करते हैं एक कंट्री के लिए जहाँ पे गवर्नमेंट क्या है अपनी एक्सपेंडिचर पॉलिसीज बिना टैक्स रेट को चेंज किए वो अपनी एक्सपेंडिचर को भी या पॉलिसीज को भी चेंज कर सकती है अंडर द टैक्स बियोन्सी सिस्टम। तो अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो किससे शो की गई है, दैट द इलास्टिसिटी इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू टर्म्स एंड दीज टू टर्म्स आर रेफर्ड टू एज टी मींस द एडजस्टेड टोटल टैक्स रिवेन्यू एंड वाई इज ऑब्वियसली मींस इनकम, एडजस्टेड टोटल रिवेन्यू हमारा है ये। ठीक है, यहाँ पे अगर हम मेनली बात करें तो टैक्स इलास्टिसिटी में हमारे डिस्क्रिशनरी चेंजेस जो हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, टैक्स रेट में टैक्स बेस में कोई चेंज आया तो वो नहीं, उसका इफेक्ट जो है वो नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम बियोन्सी की बात करें तो हमारा यहाँ पे इफेक्ट जो है वो दिखेगा टैक्स चेंजेस का, टैक्स रेट में कोई चेंज आया है उसका। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा इनकम टैक्स इज जनरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इनकम टैक्स जो है वो हमारा किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बेनिफिट रिसीव्ड प्रिंसिपल, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, विलिंगनेस टू पे प्रिंसिपल या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर हम बात करें द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, तो यहाँ पे जो है टैक्स जो है किस पर्सन पे लेवे होता है, अकॉर्डिंग टू द हाउ वेल द पर्सन इज एबल टू पे और हाउ वेल द पर्सन कैन शोल्डर द बर्डन ऑफ टैक्स, कैसे पे कर सकता है। तो अगर हम इन प्रिंसिपल की बात करें तो इस प्रिंसिपल में क्या बोला गया है कि जितने भी सिटीजंस हैं वो इक्वल सैक्रिफाइस शो करेंगे, इक्वल सैक्रिफाइस शो करेंगे किसके लिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों का सैक्रिफाइस शो होता है, ठीक है, डिपेंड नहीं करता कि टैक्स पेमेंट वो कितनी कर रहे हैं, उनकी इनकम कितनी है, नहीं। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल को अगर हम बात करें तो ये दो नोशंस में डिवाइडेड है, जो हमने पहले भी किया है दैट वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। वर्टिकल क्या शो करता है, अगर हम देखो ये वर्टिकल शेप है और ये हमारी हॉरिजेंटल शेप है। वर्टिकल शेप क्या शो करती है कि टैक्स पेयर जिसकी ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स लार्जर अमाउंट पे कर सकता है, जिसकी कम है वो कम करे। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि टैक्स पेयर जिनकी सिमिलर एबिलिटीज हैं उनको कम से कम सेम अमाउंट जो है वो पे करना चाहिए। यहां से हम याद रख सकते हैं क्वेश्चन जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से भी आता है, और इनकम टैक्स जनरली किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसके दो नोशंस हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, जो भी आपको पता होना चाहिए कि यहां से भी क्वेश्चंस आता है।
ठीक है. नाउ नेक्स्ट, विच मेथड कैन हेल्प इन ऑब्टेनिंग अ वेलफेयर इंप्रूवमेंट इफ एक्सटर्नलिटीज एग्जिस्ट. अगर हमारी एक्सटर्नलिटीज एग्जिस्ट करती हैं तो कौन सा मेथड हेल्पफुल है? रेगुलेशन मेथड, राइट्स एंड परमिटिंग बार्गेनिंग, थर्ड है हमारा पिंजोबियन टैक्स और फोर्थ है हमारा ऑल ऑफ द अबव. तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है, इट क्रिएटेड बाय द एक्सटर्नलिटीज. एक्सटर्नलिटीज के कारण हमने बात कर रखी है ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के बारे में. कई सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे इन्वायरमेंट पे, जो आसपास हमारे नेबर्स पे पॉजिटिव इफेक्ट डालती है. कई ऐसी चीजें होती है जो नेगेटिव इफेक्ट डालती है, लाइक फॉर पोल्यूशन. पोल्यूशन हो रहा है तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट पे, तो उसके ऊपर टैक्स पे होना चाहिए. सो देयर वाज अ क्लियर डिफरेंस दैट इज बिटवीन द प्राइवेट कॉस्ट एंड द सोशल कॉस्ट. यहाँ पे अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने दो वेरिएंट्स प्रपोज किए हैं, और यहाँ पे जो हमारी बात है नियो क्लासिकल अप्रोच की बात हो रही है. ठीक है, पहला है उन्होंने पिंजोबियन टैक्स, जो किसके लिए है, टू कंट्रोल द पॉल्यूशन विद द टैक्सेस. आप टैक्सेस लगा के पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. और सेकंड क्या है उनका, प्रॉपर्टी राइट अप्रोच, जो क्या ऑफर करता है कि मार्केट सॉल्यूशन दे सकता है हमें. तो यहाँ पे रेगुलेशंस भी हैं कि आप कंट्रोल करो, असाइनिंग प्रॉपर्टी राइट और बार्गेनिंग की भी परमिशन है, पिंजोबियन टैक्स भी है. तो ये सारी ही चीजें हैं जिससे हम वेलफेयर इंप्रूव कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ द अबव फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल रिसिप्ट इन द गवर्नमेंट बजट. हम पता ही होगा हमने बजट का बजट को है काफी अच्छे से समझा है. सो इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन लोन्स गिवन बाय गवर्नमेंट टू अदर पार्टीज. अगर हमारा इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, अगर गवर्नमेंट ने अदर पार्टीज को लोन दिया है, वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट में इंक्लूड होगा. डिविडेंड एंड प्रॉफिट होगा पब्लिक एंटरप्राइज का, वो कैपिटल रिसिप्ट में इंक्लूड होगा. या फिर बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक, वो इंक्लूड होगा. या फिर प्रॉपर्टी टैक्स इंक्लूड होगा. तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा कि कैपिटल रिसिप्ट कौन सा है अगर वो गवर्नमेंट बोरो कर रही है पब्लिक से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग्स द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन मिटिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज. एक्सटर्नलिटीज के इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्टिव मेजर कौन सा हो सकता है? फिस्कल पॉलिसी, रेगुलेशन ऑन मोनोपोली, एक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी और फ्रीइंग द मार्केट. तो अगर हम बात करें फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी हमारा बेस्ट मेजर है. फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट के रिवेन्यू, कि गवर्नमेंट अपना रिवेन्यू कहाँ खर्च करेगी, एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें. तो इससे हम एक्सटर्नलिटीज का इफेक्ट जो है वो आसानी से देख सकते हैं. सो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा. नाउ थैंक यू वेरी मच एवरीवन. इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर एवरीवन, बाय बाय.